हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एचपीसीएल का जो रिक्रूटमेंट रिसेंटली आया हुआ है, तो एचपीसीएल के रिक्रूटमेंट के बारे में जो एग्जाम पैटर्न क्या होगा और क्या टेंटेटिव सिलेबस होगा, ये चीजें जो है ये डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो जो है लास्ट तक देखना। और जैसे कि आपको पता ही होगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इतनी सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा प्लस डिग्री, ठीक है, जो डिप्लोमा होता है 3 साल का और उसके बाद डिग्री जो होती है, वो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न होगा और क्या टेंटेटिव सिलेबस होगा, ठीक है। ये जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, तो बेसिकली ये तो टेंटेटिव सिलेबस है। जब भी कंफर्म सिलेबस आएगा, वेबसाइट पे अपलोड होगा, तब हम वापस से वो ऑफिशियल सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। पर फिर भी अभी अभी आपके प्रिपरेशन के हिसाब से, तो आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है या फिर जो भी सिलेबस कवर करना है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा करके जो डिग्री करते हैं, डिप्लोमा प्लस डिग्री, वो अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो अभी हम एचपीएसएल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्या सेक्शंस होंगे, ये देखते हैं सबसे पहले। तो पेपर जो होगा सीबीटी, सिलेक्शन प्रोसेस तो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, जो कि नोटिफिकेशन जिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, उस वीडियो में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसा कैसा क्राइटेरिया होगा, वो हमने डिटेल में देख लिया था। तो सबसे पहला आपका होगा सीबीटी, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा एंड उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो 3 स्टेजेस में आपकी ये जो रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहली जो स्टेज है सीबीटी, सीबीटी के लिए आपको 2 पेपर होंगे, ठीक है, या फिर 2 सेक्शन भी बोल सकते हो आप। सबसे पहला सेक्शन होगा जनरल एप्टीट्यूड का एंड सेकंड सेक्शन होगा जो आपका टेक्निकल नॉलेज का। तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे या फिर क्या क्या सेक्शंस होंगे, सब सेक्शंस, सबसे पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, देन सेकंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल को हम रीजनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, तो ये 3 सब्जेक्ट्स पेपर 1 के लिए। एंड जो पेपर 2 होगा, ये होगा आपका टेक्निकल नॉलेज, जो भी आपका डोमेन, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो तो मैकेनिकल का सिलेबस होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का सिलेबस होगा एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस होगा। तो ये रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज। पेपर एक ही होगा, पेपर तो एक ही होगा, बट सेक्शंस जो होंगे ये अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आई होप सबको एग्जाम पैटर्न तो समझ में आया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी हम डिटेल में इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या टेंटेटिव सिलेबस होगा। इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इंग्लिश में सबसे पहला ग्रामर में स्पॉट द एरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये तो नॉर्मल जो भी एग्जाम्स में, जनरली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश के लिए, तो इसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, उसके बाद आइटम्स एंड फ्रेजेस, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, देन स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, और ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मोस्ट कॉमन सिलेबस होगा इंग्लिश का। उसके बाद एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में डेसिमल फ्रैक्शन, पार्टनरशिप, चेन रूल, प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ, एलसीएम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ये होगा एप्टीट्यूड में, एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, टाइम एंड वर्क, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद सर्ड एंड इंडाइसेस हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद एरिया, पाइप एंड सिस्टम्स, हाइट एंड डिस्टेंसेस, एवरेज, लॉगरिथम, प्रोबेबिलिटी, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो सिलेबस हमने डिस्कस किया एप्टीट्यूड का, तो ये टेंटेटिव सिलेबस है। मोस्टली हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसी टॉपिक्स में से आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है रीजनिंग का सिलेबस, रीजनिंग में क्या आएगा, नंबर सीरीज या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगी, एनोलॉजी आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट, भले ही वो सिटिंग अरेंजमेंट आपका सर्कुलर हो या फिर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो, कैसे भी आ सकता है। उसके बाद ब्लड रिलेशंस में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटीज,
ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, उसके बाद डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस, इनइक्वालिटी, लीनियर अरेंजमेंट, नंबर्स, ऑड मैन आउट, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, पजल्स एंड अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो ये जो जनरली सब्जेक्ट्स होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज टेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म, तो ये रहा आपका रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, तो वंस अगेन मैं आपको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहा आपका एचपीसीएल का एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले अभी तो हमने इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का डिस्कस किया, अभी हम टेक्निकल नॉलेज का भी डिस्कस करते हैं सिलेबस। ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न, उसके बाद इंग्लिश का ये सब, इंग्लिश की ये जो टॉपिक्स है स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो, ये इंग्लिश के टॉपिक्स। उसके बाद एप्टीट्यूड में से जो भी मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये रहा एप्टीट्यूड का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। और ये रहा रीजनिंग का सिलेबस आपका, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट होगा, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, इनक्वालिटीज, नंबर्स, ठीक है, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल वगैरह 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 जो भी है। तो ये मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है जिसके ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम टेक्निकल का सिलेबस देखेंगे, हर एक ब्रांच का, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी ब्रांचेस का टेक्निकल का टेंटेटिव सिलेबस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस फॉर इंजीनियरिंग पोजीशंस, सबसे पहले हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जो भी टॉपिक्स है, मेन मेन टॉपिक्स में पढ़ लेता हूं, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके डिटेल में भी देख सकते हो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ओके, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, नेक्स्ट है कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ आरसीसी एंड मैशनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है किससे, किसमें से, ये टॉपिक से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में से सॉइल मैकेनिक्स होगा, उसके बाद फाउंडेशन इंजीनियरिंग, नेक्स्ट है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में फ्लूड मैकेनिक्स होगा, हाइड्रोलिक्स होगा, हाइड्रोलॉजी होगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में से वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट होगा आपका, एयर पोल्यूशन होगा एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में से ये जो सिलेबस दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग में उसके प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग एरर्स एंड देयर एडजस्टमेंट, लेवलिंग वगैरह जो भी है। उसके बाद जो है बिल्डिंग आर्किटेक्चरल एंड मेंटेनेंस वर्क, इसमें भी स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल यूज ऑफ वुड, प्लाईवुड वर्क वगैरह, सीलिंग्स, फ्लोरिंग, प्लम्बिंग वर्क, ये सब होगा। ठीक है, तो ये 7 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं सिविल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखो तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, नेक्स्ट है पावर सिस्टम, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद बस इतने ही सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखो अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगा, उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा यहाँ पे, थियरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन अलग से मेंशन किया हुआ है, मशीन डिजाइन, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस में फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर भी होगा, थर्मोडायनामिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स होगा यहाँ पे, एप्लीकेशन भी है यहाँ पे, मतलब आईसी इंजन का भी पार्ट मेंशन किया हुआ है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, फिर रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, साइकोमेट्री भी यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में इंक्लूड की हुई है। उसके बाद टर्बाइंस भी देखो, ठीक है, टर्बाइंस का भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टर्बो मशीनरी, मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सबसे पहला जो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, उसके बाद कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेसेस, मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस, उसके बाद मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी सीआईएम में कुछ दिया हुआ है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल भी है, इन्वेंटरी कंट्रोल भी है, ऑपरेशन एंड रिसर्च भी है, मतलब ये बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च का ये पार्ट होगा।
ठीक है, तो ये इतना सिलेबस दिया हुआ है मैकेनिकल के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स, नेक्स्ट है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वाइट सिमिलर ये जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है और इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेटा कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट वन इज एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ये टेंटेटिव है, टेंटेटिव में इसलिए बोल रहा हूँ कि मे बी जब तक आपका ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता तब तक आप अपना प्रिपरेशन जो है ये इस सिलेबस को कंसिडर करके स्टार्ट कर सकते हो। जब ऑफिशियली सिलेबस डिक्लेयर हो जाएगा, वेबसाइट पे आ जाएगा, तो ऑब्वियसली हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। और यहाँ पे नोट भी एक दी हुई है कि द सिलेबस और टॉपिक्स मेंशन आर इंडिकेटिव इन नेचर, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू पजेस सिग्निफिकेंट नॉलेज और प्रोफिशिएंसी पर्टेनिंग टू द रिलेवेंट सब्जेक्ट्स एंड देयर क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली ये जस्ट इंडिकेटिव सिलेबस है, टेंटेटिव सिलेबस होगा। आपका प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करने के लिए मैंने आपके साथ नॉन टेक्निकल का एंड टेक्निकल का हर एक ब्रांच का सिलेबस शेयर किया हुआ है। ये जो पीडीएफ है इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करवा के देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैकेनिकल के लिए अलग चैनल है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग चैनल है, तो दोनों स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको एचपीसीएल सिलेबस की पीडीएफ ये मिल जाएगी, ओके। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।